Subscribe to www.oneplatter.com and be the part of the ultimate cooking social community where recipes come to life. किसी भी गैर शख्स के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं हर रोज झूठ नहीं बोल सकता। तंज कर रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं हमें खुद अपनी इज्जत का पास रखना पड़ता है। जो ताल्लुकात बदनामी का बायस बने उनसे पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। आनिया बेटा देखो कौन आया तुमसे मिलने। आते अरे लेडी रो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बस आपको देख लिया तो मेरे सारे दुख सारी तकलीफ दूर हो गए। आप देखिए ना, जैसे ही आप आए मैं फौरन से उठकर बैठ गई। आप कुछ कहेंगे नहीं? कैसी हो? इस रस्मी सवाल के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जानती हूं आप मुझसे सख्त नाराज हैं, बल्कि आपको तो मुझसे नफरत हो गई होगी। मैं हूं इसी काबिल। आपकी मोहब्बत को पाने की चाह में मैं कुछ सोचने और समझने के काबिल ही नहीं रही। आनिया, मैं यहां तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन लेने नहीं आया। मैं यहां तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि यह सब करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे ब्लैकमेल करके तुम मुझसे शादी कर लोगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ, अलबत्ता अपने पेरेंट्स के दुख में मजीद इजाफा जरूर करूंगा। इसलिए प्लीज आनिया, संभल जाओ, मत करो ये सब। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, उसका क्या आतर? वो आपको दिखाई नहीं देती। फॉर गॉड सेक आनिया, प्लीज इतनी सेल्फिश मत बनो। औरों के बारे में भी सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, जो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दिन रात तकलीफ में। उन्हीं के बारे में तो सोचती हूं, इससे मैं जानती हूं जब तक मुझे चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, उन्हें भी नहीं मिलेगा। और मुझे चैन और सुकून तभी मिलेगा जब आप मुझे अपनाएंगे, मुझसे शादी करेंगे। प्लीज आते आनिया, प्लीज, बहुत हो गया। मैं यहां तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
भले तुम एक बार नहीं 10 बार अपनी जान लेने की कोशिश करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कभी नहीं आते। क्या हुआ आतिर? आतिर, आतिर मेरी बात तो सुनो। आतिर, आनिया क्या हुआ? आतिर चला गया, क्या कहा उसने? शादी के लिए राजी तो हो गया है ना? नहीं। लेकिन आज आया है तो कल मान भी जाएगा। देखना मामा, इस बार आतिर मुझसे शादी जरूर करेगा। मेरे चेहरे की तकलीफ उसे चैन से जीने नहीं देगी। आप देखना, वो खुद आएगा मुझे अपनाने, मुझसे शादी के लिए हाँ कहने। यार अली, मेरे दुबई ट्रांसफर का क्या बना? बात हुई तेरी बॉस से? हाँ यार, मैंने बात तो की थी, लेकिन 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 क्या? लेकिन इसमें थोड़ा मसला आ रहा है। कैसा मसला? यार बॉस पहले ही तुमसे अमेरिका ना जाने की वजह से नाराज है। ऊपर से तुमने अंकल की डेथ की वजह से काफी सारी छुट्टियां भी की हैं और काम में भी कुछ गफलत बढ़ गई है, इसलिए मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। छुट्टियां की यार, लेकिन मैं घर से तो काम करता रहा हूं। और जहां तक मेरे काम की बात है तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने आज तक अपने काम में कोई कोताही नहीं बरती। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन यू नो बॉस इज ऑलवेज राइट। यार अली, लेकिन इस तरह बहुत देर हो जाएगी, मैं मजीद यहां नहीं रह सकता। जितनी जल्दी हो मैं यहां से जाना चाहता हूं। प्लीज यार, डू समथिंग। तू करना बात यार बॉस से। तू जानता है ना यार कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो मालूम है तुझे। जानता हूं मैं यार, लेकिन ये काम अब मेरे बस में नहीं है।
मैं तो खुद चाहता था कि तुम्हारा वहां ट्रांसफर हो जाए। लेकिन तू बात कर बॉस से यार, उन्हें समझा, कुछ कर, बस तू कुछ कर। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करके देखता हूँ। वैसे भी अब बॉस की बेटी अमेरिका से वापस आ रही है, अब सारा बिजनेस वही संभालेंगी। अब देखते हैं उनका क्या डिसीजन होगा। सुनो, बोलो। मेरे केस का कुछ पता चला? अब क्या पता चलना है, अब तो बस फैसला होगा। फैसला? फैसला? हाँ, वो तो बहुत पहले ही हो जाता। ये तो तेरा वकील खामखा केस को लटका रहा था। सुपरिटेंडेंट साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा केस एक दो पेशियों की मार है, क्योंकि सारे सबूत तेरे खिलाफ है। क्या? अब तो बस तुम अल्लाह ही अल्लाह करो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतना पैसा लगाया अपने केस पर, अपना घर, अपनी दुकान, सब कुछ बेच दिया, और मेरी अम्मी वो तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई। उनका क्या होगा, क्या करेंगी वो, और मेरा भाई? क्या तुम मेरी बात वकील से करवा सकती हो? मैं उससे पूछूंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो रोहेल, उससे भी बात करूंगी, तुम प्लीज मेरी बात करवा दो। बस बस बहुत हो गया, रोज रोज तेरी बात नहीं करा सकती। और कौन सा वकील, वो वकील या तेरा यार? दोनों तुझे बचाने की नहीं बल्कि तेरे केस को लटकाने की बात करते थे। मैंने खुद कई बार सुना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम प्लीज मेरी उससे आखिरी बार बात करवा दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। बोल दिया ना एक बार नहीं, चल अब जाके बैठ जा, सर ना खा मेरा। तंजीला, तुम्हें कल मेरे साथ जाना है। कहाँ? पासपोर्ट ऑफिस। तुम्हारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, कुछ दिनों के बाद पासपोर्ट मिल जाए। क्या तुम दुबई जाने का इरादा बदल नहीं सकते? क्यों, तुम्हें दुबई जाने में क्या एतराज है? किसी ने मना किया है? मुझे कौन मना करे? कोई भी कर सकता। किसी ने मना नहीं किया मुझे। तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती तुम? यहां जिंदगी गुजरी, जिंदगी के हसीन पल गुजरे, उस जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। क्या तुम्हारे लिए इस घर को छोड़ना आसान होगा? यहां ताया जान की याद है, तुम्हारी अम्मी की याद है, यहां तुम्हारे बचपन की याद है। तुम्हें मेरे बचपन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हारी कोई यादें यहाँ इस शहर से जुड़ी हैं तो कोई और बात है। और वैसे भी
इस मोहल्ले में जितनी हमारी बेइज्जती हो चुकी है, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो आतिर फिर से तुमसे मिलने आए और सारा मोहल्ला आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए और मुझे उनके सवालों के जवाब देने पड़े। वो अब यहाँ नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे पता? जो एक बार आ सकता है वो दूसरी बार भी आ सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम अच्छी तरह समझ गई हो। तो तुम भी वही रिवायती मर्द निकले आतिर के तरह। तुम तो कहते थे तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, कभी शक नहीं करोगे। कहां गया वो भरोसा? शक की नजर हो गया? हाँ, हो गया शक की नजर। और कुछ सुनना चाहती हो तुम? बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था जान। क्या तुम आनिया से मिलने गए थे? मगर क्यों? सुसाइड की कोशिश की थी उसने। हाँ, और तुम उसके पास अफसोस करने गए थे, है ना? तेर क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कह रहा हूं तंजीला भाभी से अपना रिश्ता जोड़ो और तुम होके आनिया के पास घुसे चले जा रहे हो। अब ये तंजीला भाभी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी वो? पहले ही वो तुम्हें फैसल से तलाक लेने पर इनकार कर चुकी हैं। मैं वहां सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत गया था। और ये इंसानी हमदर्दी तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती है जानते हो? सोचा है कभी तुमने? पहले भी तुम इसी इंसानी हमदर्दी पे उसकी बर्थडे पे गए थे ना, क्या हुआ था याद है? ये सब भूल चुके? याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। मैं वहां उसको सिर्फ ये बताने गया था कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। खैर सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अब क्या सोचा? किस बारे में? तंसीला भाभी के बारे में। बताया था, इनकार कर चुकी हो मुझे। तो तुम फैसल से बात करो। Subscribe to www.oneplatter.com and be the part of the ultimate cooking social community where recipes come to life.